अस्सलाम वालेकुम मेरी टी फैमिली उमीदा जी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक चल रहा है और मैं भी बिल्कुल ठीक हुई थी आज मैं घर पे अकेली थी तो मैंने सोचा कहना मैं कुछ बना ही लेती हूँ क्योंकि सिस्टर वगैरह आना था फिर मैंने कहा रोज़े में आके क्या करेंगी मैंने कहा सोचा मेरा रोज़ा और मेरा टाइम भी वैसे पास ही मैं काम ही कर लेती हूँ फिर मैंने सबसे पहले टमाटर और प्याज टमाटर और हर मिर्चें काट के रखी और मैंने आलू पहले से बाहर कर रही और मैंने यहाँ पर ना टैंग टैंग नहीं ढूँढ रही थी मैं ढूँढ रही थी क्या कहते हैं इमली ढूँढी थी उसमें डालने के लिए ना छोले वाली चाट के अंदर मुझे इमली तो मिली नहीं दी थी इमली नहीं मिली तो क्या हुआ मुझे एक और चीज़ मिल गई इमली नहीं मिली तो मुझे मिला टैंग तो मैंने सोचा ये भी तो ये इस्तेमाल आना ही है तो फिर मैं यही निकाल लेती हूँ मैंने ले टैंग निकाला टैंग मिलने के दो मिनट बाद ही मुझे जो इमली मिल गई थी मैंने कपाओ एक ही तब मिल जाती तो फिर मैं दोनों चीज़ें दिखा देती कोई बात नहीं मैंने इस ना कप के कप के लिया कप के अंदर मैंने पानी लिया पानी हमारे घर का तो जाहिर बात इस्तेमाल होते नहीं तो सामने आपको दो कूलर एक कूलर और एक कया नजर आ रहा होगा उसके अंदर सब पानी फिल्टर से पानी आता तो मैंने इमली भिगो दी थी ताकि ना इमली मैंने भिगोई थी बीस मिनट और इतना मैं मुझे इमली खाना बहुत पसंद है तो मैंने इमली ली रोज़ तो था नहीं तो फिर ना क्या कहते हैं इमली ली और आपको जिस जिसको इमली पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ फिर मैंने कहा चलो मैं ना पकौड़ों के सामान रेडी कर लेती हूँ बैटर बनाती हूँ ताकि बैटर भी ठहर जाए थोड़ा ना और, और ना मैं और काम कर लेती हूँ तो फिर ना मैंने बेसन लिया बेसन ना मैंने ना अपने हिसाब से डाला फिर देखिएगा अभी मैं रख दूँगी बेसन को फिर ना मैं दोबारा डाल दिया मैंने कहा मुझे तो कम लग रहा है ये बेसन मैंने तीन दफ़ा कोई बेसन इसके अंदर किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वना वैसे सब करते करते जी हमारे आगे थे कुछ गेस्ट फिर मैं वहाँ चली गई थी और मैं बहुत थक गई थी आज क्योंकि मैंने सारा तारी का सामान किया और मुझे नींद भी आ रही थी वाइस ओवर करते करते उन्हें नींद आ रही थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वाइस ओवर करूँ लेकिन मैंने आप लोगों के लिए किया वाइस ओवर ताकि मैं तारीख से पहले पहले ये डाल दूँ वीडियोस भी बना लूँ उसके बाद ये मैंने ना बेटर अच्छी तरीके से खो लिया था फिर मैंने कहा इसके अंदर ना मैं वो डाल देती हूँ मुझे इसके अंदर मसाला ज़्यादा डालते हैं क्योंकि मैं मैंने मैं, मैं इतना सारा काम ना मैंने फ़र्स्ट टाइम किया मेरे ख्याल से तो हाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम किया क्योंकि ना मेरी ना बहनें बना लेती हैं सारी चीज़ें तो फिर ना मैं मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी फिर मैं मुझे डर भी लग रहा था कि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो जाए या किसी चीज़ में कुछ ना हो जाए फिर मैं साथ साथ ना अम्मी बैठी हुई स्टिच कर रही थी कपड़े मैं उनसे भी पूछती जा रही थी कि इसमें क्या डालूँ क्या ना डालूँ फिर मम्मी भी बताई जा रही, रही थी कि ये डालो ये ना डालो क्या कहते हैं मम्मा को ज़्यादा पता है हर चीज़ का फिर मम्मा मुझे बताई थी देखिए बैटर हमने अच्छी तरीके से मिस कर लिया उसके बाद जी मैं छोलो भाजी जो चाट है ना उसकी ना मैं चीज़ें कर लेती हूँ सबसे पहले हम छोलो भाजी चाट में डाल देंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए थे और हरी मिर्चें जी मैं ना मुझे लग रहा था कि ना हरी मिर्च और ना टमाटर ना मैंने ना अपने हिसाब से ज़्यादा काटेंगे कि ना दही बल्डे और ना फ्रूट छोलो वाले चाट में ना दोनों में डल जाएंगी लेकिन क्या हुआ कि ना मैंने ना वीडियो बंद कर दी मैंने देखा मुझे तो इतने कम लग रहे थे फिर मैंने दोनों चीज़ें वापस डाल दी फिर मैंने इसी तरह छोले किए छोले मुझे लग रहे थे ज़्यादा होंगे फिर जब मैंने ना छोले इसके अंदर डाले ना मैंने कहा कि ना मैंने छोले भी मैंने ना दही ढेबलों के लिए रखे थे फिर ना मम्मा ने कहा कि ना लोबिया रखा हुआ तो ना पूरे छोले डाल दो फिर मैंने छोले इसके अंदर पूरे डाल दिए थे फिर मैंने इसके अंदर छोड़ दिया मैं हाथ से ही लग गई थी कोई बात नहीं आप पैसे ना कीजिएगा फिर मैंने आलू तो काटे भी नहीं थे इसे बॉइल करके रखे हुए थे साथ के साथ मैंने कहा आलू भी देती थी मैं आलू को इसके अंदर रख रही थी ताकि ना आलू ना क्या कहते हैं इसके अंदर मैं काट के डाल देती हूँ आलू को ना मैं आलू को इसके अंदर काट रही थी फिर मेरे हाथ पे कट भी लग गया था लेकिन कोई बात नहीं लगता ही रहते कट तो मेरे हाथों तो पर बहुत कट लगे मैं हालाँकि मैं इतना काम भी नहीं करती मेरे बहन भाई ज़्यादा काम करते हैं लेकिन मैं मैं लेकिन ना मेरे हाथ बहुत कटते हैं हालाँकि मैं इतना काम ही नहीं करती कहीं ना कहीं से ना कट ही जाता है फिर जब बस मैं आलू काट रही थी और मैं आधा ज़्यादा काम हो गया था तो फिर अभी अभी मैसेज आया कि ना कि सिस्टर वगैरह ना रवाना हो चुके ना मैंने कहा बस एक घंटा ही है मुल्तान का एक घंटा या आधा घंटा वो तो गाड़ी वाले पर वो है कि वो कितनी देर में पहुँचाया मैंने कहा बस एक डेढ़ घंटा और रफ्तारी में भी एक डेढ़ घंटा ही रहता था फिर मैंने कहा ना मैं ना जल्दी जल्दी कर जल लेती हूँ ताकि उनके आने से पहले मैं उन्हें भी रेस्ट दे दूँ और वह आके क्या क्या बनाएंगी और रोज़ा है रोज़ाद तो से बात है फिर मैंने इसके अंदर ना चाट मसाला डालो और ये चाट मसाला कोई इतना मज़ेदार चाट मसाला था ना वॉइस ओवर करते हुए तो मेरे मुँह में एटलीस्ट पानी आ गया था आपको तो पता ही है कि वाइस ओवर करते हुए जो चीज़ मैं देख रही होती हूँ उससे मेरे मुंह में बहुत पानी आता है और मैंने बहुत मज़े की बनाई थी सबको बहुत पसंद आई थी जी ये देखिए इतने मज़ेदार लग रही है देखने में भी अभी हमने इसको ढक के रख देते हैं उसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं ना आलू काट लेती हूँ दही बल्लों के लिए फिर ना मेरा काम ना थोड़ा ना कम हो जाएगा फिर मुझे जा बार बार उसके साथ नहीं करना पड़ेगा फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने आलू काटा उसको क्योंकि मेरे हाथ में जो अंगूठा है ना उसमें इतना गहरा कट लगा हुआ था ना कि मेरे ना बहुत दर्द हो रहा था लेकिन अब मैंने फिर भी काटे मैंने कहा चलो मैं, मैं काटती हूँ हिम्मत कर ही लेती हूँ लेकिन और आप लोग बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है मैंने खुद मेहंदी लगाई थी और मैंने चूड़े भी पहनी हुई थी और मैंने अंगूठी भी पहनी हुई थी बिल्कुल मतलब मैंने अपने हाथ को सजाया हुआ था और क्या कहते हैं सीधा हाथ मेरा बिल्कुल सादा था और मुझे ना चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं ये देखें चूड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी मैंने मुझे बहुत पसंद है मैंने अभी भी चूड़ियाँ पहनी हुई थी और मुझे चूड़ियाँ इतनी पसंद है कि मैं पहनती हूँ लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि मैं चूड़ी पहनती भी नहीं फिर मैंने आलू ही काट रही थी कहते हैं मैं आलू काटते काटते ना दोबारा से मैं आकर से, से वगैरह को पहने में बस थोड़ा था सा ही टाइम में फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी करती हूँ और ना लास्ट का पार्ट तो मैं लेने ही भूल गई वो अभी आप आगे देखिएगा <laughs> फिर मैं बस आलू काट ही रही थी आलू को छोटे छोटे मैंने इसे काटे बहुत सारे आलू थे तो मैं इतनी सारी बातें भी नहीं है मेरे पास कि मैं क्या करूँ प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को तो फिर वैसे मैंने काट लिया आलू सारे आलू मैंने काट लिया मैंने आलू को ना साइड पर रख देती हूँ फिर ना उसके बाद मैं ना अब दही बल्लों के लिए दही निकाल ली थी दही निकाल ली थी मैंने रख दी साइड पर मैंने कहा जब मैं, मैं बनाऊँगी कर लेती हूँ तब तो मैं मैं ना बना लेती हूँ टैंक तो टैंक शरबत जो भी बना रहा मैं वो बनाती हूँ फिर मम्मा ने कहा कि ना टैंक बनाती हूँ फिर मैं ना टैंक बनाना शुरू हो गई मैंने कहा चलो मैं टैंक बना लेती हूँ फिर ना मैंने टैंक डाला इसके अंदर भी मैंने चीनी डाली चीनी घुलने में तो टाइम लगता है ऐसी बात है फिर मैंने कहा कि ना चलो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ ताकि ना ये ठंडा भी रहे ना फिर मैंने क्या कहते हैं मैश करना अंदर बर्फ़ मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था ढक के ना फिर जब सिस्टर आई ना मैंने कहा कि ना ये तो हम मतलब ठंडा ही है मैंने कहा हाँ मैं बड़ा दाल नहीं भूल गई मैंने कहा देखो तरह सारा काम कर लिया लेकिन दाल भूल गए फिर मैं आज भी बनाई थी बैंगन के पकौड़ा था फिर सबसे पहले हम ना बैंगन को जैसे हम चिप्स काटते हैं ना बिल्कुल पतला पतला हमने तो 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 काटते हैं चिप्स तो हम थोड़े मोटे काटते हैं ना फिंगर फ्राइज़ होते हैं फ्राइज है। हम इसको भी फिंगर फ्राइज़ की तरह काटेंगे लेकिन हम इसको बिल्कुल पत्ते पत्ते काटेंगे बैंगन के पकौड़े पहले बना पहली दफ़ा बनाए हैं मैंने ना बैंगन पकौड़े वाइस ववर करते करते जी अजान हो तो मैं अजान के बाद मिलती हूँ आप लोग

जी यहाँ पे हो गई थी अजान और सिस्टर्स मेरी गई हुई थी क्या करते हैं किचन में क्योंकि हफ्तारी के बाद के बर्तन तो उन्होंने ही धोने होते हैं तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना वो काम कर लेती हूँ मैं वाई ओवर कर लेती हूँ जी मैंने इसके अंदर बैंगन बिल्कुल फ्राइज की तरह इसके अंदर ना काट के डाल दिया और फिर ना मम्मा ने कहा कि ना इसके अंदर ना प्याज भी डाल दो ना काट के फिर ना मैं मैंने कहा अच्छा चलो मैं इसको ना मिक्स कर लूँ ज़रा ताकि ना इसका बैटर जो है ना फिर बाद में ना प्याज और वो मिक्स हो जाते हैं फिर मैंने ना एक प्याज़ ली वो उसे छीला और ना उसे बिल्कुल दो हिस्से किए उसके फिर मैंने उसे इतने बारीक बारीक तरीके से काटा कि ना पता ना चले कि इसके अंदर ना प्याज भी है नहीं तो ना फिर ना भाई मेरे जो ब्रदर वगैरह है ना भाई वगैरह और कज़न ब्रदर वो हमारे साथ कर दिया ना सारी तो फिर वो ना निकाल देता हूँ उसके अंदर से फिर ना मैंने ये देखे मैं आपको दिखाई थी दही बल्लों के लिए मैं रायता बना रही थी क्या कहते हैं उसकी जो चटनी होती है मैं रायता बना रही थी और मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ रायता लेकिन रायता मजाला है जो नजर नहीं आ रहा रायता बल्कि गिर ही गया था मैंने सोचा मैं रायते के अंदर ना थोड़ी कुट्टी में मिर्चें ली पिसी हुई लाल मिर्च डाली थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी से भी कम हरा धनिया डाला सिर्फ टेस्ट के लिए पिसा हुआ हरा धनिया डाला था मैंने और इसके अंदर मैंने डाला था नमक नमक था बस नमक तो दही बल मैंने दाल लो ना डालो वो डाल के अपनी मर्जी होती है लेकिन ना मैंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा अपना एक चुटकी ना दाल दो फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा मैं दाल देती हूँ फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए मैंने इसके अंदर किए फिर मैंने इसको मिक्स कर रही थी मिक्स करते करते दोबारा फोन जी कहना सिस्टर वगैरह को आने में ना बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया बोलो ना मतलब मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ था कि मैं काम भी जल्दी जल्दी करती रहूँ फिर मैं इसको मिक्स करती है मिक्स हो गया मैंने कहा दोबारा तो के जे मैं इसको ना ऐसे जैसे दिखाई दिया मिल्स फिर तो तो तो। तो जी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफि